सो गाइज माय नेम इज महेश चव्हाण द मुस्टाश टैटू ओनर एंड आज का जो एपिसोड है फ्री हैंड टैटू के ऊपर है। मोस्टली क्या होता है कि हमें हमने अभी जितने भी एपिसोड बनाए हैं वो सारे स्टेंसिल लेके बनाए हैं, पर इस बार का जो ट्यूटोरियल है वो एकदम सबसे अलग है, क्योंकि रीज़न ये है कि हम पूरा फ्री हैंड कर रहे हैं, नो स्टेंसिल, नो मार्किंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो भी है आप देख सकते हो। अभी स्टार्ट, इसमें हम थ्री पार्ट में डिवाइड किया है मैंने ये। तो फर्स्ट पार्ट ये है प्रॉपर आर्ट नॉलेज इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जब आप फ्रीहैंड करते हो आपको आदत हो जाती है एज अ नॉर्मल ही रेफरेंस लेने की, राइट, या आप गूगल से सर्च करते हो या अपना खुद का विजुअल करते हो या कस्टमाइज डिज़ाइन करते हो। मोस्टली कस्टमाइज डिज़ाइन करने के लिए मोस्टली आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा रेगुलर स्केचेस, रेगुलर डेली आर्ट जिसे बोलते हैं डेली स्केचेस, कंटिन्यू मिनिमम 25 स्केचेस या 50 स्केचेस। सो ऐसे आप करोगे तो बेटर देन आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो वर्क है वो ज़्यादा फाइन हो जाएगा और आपका नॉलेज जो आपका विजुअल है जो आप सोचते हो कोई भी आर्ट रिलेटेड या कोई कंटेंट रिलेटेड, राइट, या कोई ड्राइंग रिलेटेड आप जब सोचते हो, कोई सब्जेक्ट वाइज सोचते हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर स्केचेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका माइंड जो है, आपका विजुअल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए कंपल्सरी आर्ट का ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मिनिमम आप पकड़ लो एक्सपीरियंस पकड़ लो, आई गेस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मोस्टली अगर आप सीनियर आर्टिस्ट को आप वर्क देखोगे या मेरे वर्क भी देखोगे अच्छा, तो मेरे इसमें भी बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स हैं जो मैंने किए हैं, जो फ्री हैंड किए हैं, जैसे एग्जांपल बहुत सारे कवर अप टैटूज किए हैं फ्री हैंड, या मोस्टली ऐसे हाफ स्लीव भी किए जो मैंने बहुत सारे फ्री हैंड कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा बेस जो है, मेरा जो प्लस पॉइंट जो बोल सकता हूँ तो मेरा आर्ट कॉलेज है। माय मॉम इज़ आर्टिस्ट एंड मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एज अ आर्ट कॉलेज। तो आर्ट कॉलेज का जो जर्नी है उस साइड बाय साइड मैंने कॉलेज टैटू इंडस्ट्री में भी था, सो साइड बाय साइड टैटू इंडस्ट्री एंड देन उसके बाद कॉलेज था, तो वो जो मिक्सचर है तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है एंड देन बहुत अच्छा लगता है। आपको मोस्टली क्या करना चाहिए पता है, आपका कंटेंट जो है आपको और ज़्यादा फाइन करना है, आपको फ्री हैंड करने की आदत डालनी है, तो मोस्टली आपको आर्ट का कंपल्सरी नॉलेज चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बेटर देन कि एक सब्जेक्ट ले लो और ये सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, उसमें बहुत सारे डीपली जाओगे, जितना डीपली जाओगे आप लोगों के लिए अच्छा है। सो बेटर देन कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पॉइंट एज अ प्रोसेस ऑफ फ्री हैंड टैटू, जो फ्री हैंड टैटू का जो प्रोसेस है, एज अ कस्टमाइज डिजाइन आपने किया हो या समथिंग आप डायरेक्ट मार्कर से कर रहे हो, सो दो टाइप होते हैं, एक मार्कर, राइट, एक मार्कर कर रहे हो, मार्किंग से मार्क कर रहे हो, जो आपका डिजाइन है वो मार्क करके आप डिजाइन कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये पोर्ट्रेट है आप दिख रहे हैं, राइट, ये पोर्ट्रेट है, सो पोर्ट्रेट आप डायरेक्ट फ्री हैंड कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको मार्कर से मार्क करना है, जो सेंटर लाइन लेना है, देन मार्क किया, देन उसके बाद साइड में आपको जो आपके फ्लेम्स वगैरह हो, डिज़ाइन हो, समथिंग आप मार्कर से कर रहे हो। दूसरा एक टाइप होता है वो विदाउट मार्कर होता है, मतलब आपका जो विजुअल है आपको कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंट है, तो बेटर देन कि आप विदाउट मार्क करो, जस्ट टैटू मशीन लो, लाइट ड्राइंग करो, लाइट ड्राइंग करके आपका लाइट जो भी आपका मार्किंग है, जो भी आपका ड्राइंग है, आप पूरे मार्क कर रहे हो, मार्क करने के बाद आप डायरेक्ट लाइट मार्क बोल रहा हूँ मैं, लाइट मार्क मतलब टैटू में जो वन डाइल्यूशन वाला लाइन है, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो अभी, मैं पूरा हैंड मतलब पूरा खाली है, कुछ भी नहीं, नो स्टेंसिल है, नो ही मार्किंग है, कुछ भी मार्क नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मशीन ले रहा हूँ और मशीन से डायरेक्ट मार्क कर रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस नहीं है, साइड में एक रेफरेंस है जो भी हड्डी का रेफरेंस है, राइट, सो आप देख सकते हो, जस्ट मैंने मार्क किया है लाइट, पूरा लाइट डाइल्यूशन, वो वन डाइल्यूशन वाला मार्कर है, सिर्फ इंक एक ही एक ड्रॉप लिया मैंने सिर्फ, और वो जो कंपनी है वो डायनामिक ट्रिपल ब्लैक की कंपनी है, सो उसका लिटल बिट डार्क टोन, मतलब लिटल बिट एक ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ वन ड्रॉप लेके मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मैंने मार्क किया है, राइट, पूरा हैंड मैंने कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, एक एक बोन जो है वो निकाल रहा हूँ। तो सब्जेक्ट इसलिए मैंने बोन लिया, रीज़न ये था कि थोड़ा सा फ्री हैंड हो, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो, इससे मैंने बहुत सारे डीपली भी मैंने डिटेल वाले भी टैटूज किए,
पर इस बार मैंने सिंप्लीफाइड इसलिए लिया एज अ बोन वाइज कि आपको अंडरस्टैंड हो और आपको सिंप्लीफाइड हो, इसलिए मैंने वो सिंपली लाइट मिडल डार्क इस स्टेप में भी काम कर रहा। तो फर्स्ट मैंने जो काम किया जो अभी जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो अभी सेकंड जो है, थर्ड जो है, थर्ड में जो मैं बोलूँगा कि आप जब भी फ्री हैंड करते हो ना, आपको कॉन्फिडेंट है आप कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं तो आप मार्कर से करो, मार्कर से ड्राइंग करो, ड्राइंग करने के बाद उसके बाद टैटू स्टार्ट करो। वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, मतलब स्मॉल टैटूज हो या स्मॉल टैटू में बर्ड बनाना है या डायमंड बनाना है या बटरफ्लाई बनाना है या ऐसे छोटे छोटे कस्टमर डिज़ाइन करते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंशन हो डिज़ाइन में, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से फ्लो हो। तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट करते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छे से करते हैं। एंड देन मैं बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक हम सारे जन करनी चाहिए, मैं बोलूँगा हम सबको आना चाहिए फ्री हैंड टैटू। इन फ्यूचर कभी हमारे पास इतना प्रिंट की अवेलेबिलिटी नहीं है या हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब जाके तो मज़ा आएगा, राइट? तब जाके तो मज़ा आएगा आप जब फ्री हैंड कर रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंट है। विथ स्टेंसिल सब जन करते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा, मैं भी करता विथ स्टेंसिल, स्टेंसिल लेके भी मैं काम कर सकता, राइट? पर विदाउट स्टेंसिल काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस वो डिफिकल्ट के लोग जितना सिंप्लीफाइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो गाइज, मेरा काम, मेरा मानना है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटर देन की जो प्रोसेस है। हाँ, आपको लगता है कि एक बात बोलता हूँ, जैसे एग्जांपल जब आप कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग करते हो तो फर्स्ट आप लाइट टू डार्क जाते हो या डार्क टू लाइट नहीं जाते, सो लाइट मिडल अंडर डार्क, राइट? टैटू में आपको लाइट मिडल डार्क, आप डायरेक्ट डार्क लाइन मारोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले लाइट ड्राइंग मारा, पूरा प्रॉपर ड्राइंग करके लिया, प्रॉपर सिलेबस करके लिया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट, उसके बाद मैंने आउटलाइन पर हाथ लगाया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. पॉपअप करने जो बोन है वो जब तक 3D नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, राइट? सो फर्स्ट आपको आने से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा आता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आने से आपको जो भी डिटेल्स है वो थोड़ा सा पॉपअप होता है, राइट? थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है, सो आप देख सकते हो, राइट? तो बात आती है आपको फ्री हैंड करने की, तो जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले ही बताया, लाइट टू डार्क जाओ, डार्क टू लाइट मत जाओ, क्योंकि आप फ्री हैंड कर रहे हो। ऐसा ना हो कि गलती से आपके फ्री हैंड टैटू में आपने डायरेक्ट डार्क टू कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट और ज़्यादा है एंड देन आप डार्क कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप वो मिटा नहीं सकते, वो लाइफ टाइम मार्क रहेगा। सो बेटर देन कि आपको लाइट जाओ, उसके बाद जो जाइए डार्क करना है डार्क कर सकते हो, दैट्स इट। टू माय शैडो थ्रू द सन रेज एंड ऑन वी गो थ्रू द वेस्टलैंड्स थ्रू द हाईवेज एंड ऑन।
ओके, द थर्ड पॉइंट इज अ क्लाइंट ट्रस्ट. आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, पर क्लाइंट आपका मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा. सो बेटर देन कि जो कोऑर्डिनेट है, जो आपका रिलेशन है एज अ क्लाइंट के साथ, वो एकदम फ्रीली रखो, तब जाके वो क्लाइंट अपने आप को मतलब आपके स्वाधीन करेगा. क्योंकि रीजन ये होता है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डर रहे हो डिजाइन देख के, यार डिजाइन नहीं हो पाएगी, मैं फ्रीहैंड कैसे करूंगा, राइट. सो वो सारी चीजें भी मत करो जो आपको लगता है फ्रीहैंड नहीं कर पा रहे हो. लिमिट स्टेंसिल यूज करो, मार्क यूज करो, मार्कर यूज करो. मार्कर यूज करने के बाद वो जो मैं बता रहा हूँ लाइट टू डार्क प्रोसेस है, वही कंटिन्यू करो. पर आपको कॉन्फिडेंट है तो क्लाइंट का ट्रस्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, प्लीज एज अ रिक्वेस्ट, आपको क्लाइंट का ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट बहुत मुश्किल से आपके यहाँ पे आते हैं एंड बहुत ट्रस्ट करके आते हैं, राइट. सो मोस्टली यही बोलूंगा, जब फ्री हैंड करते हो तो कॉन्फिडेंट लो, पूरा कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ऑल द बेस्ट यूर फ्यूचर. यार मैं सबको बोलूंगा कि आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, और ये जो चैनल चल रहा है वो आप लोगों के लिए चल रहा है. इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एपिसोड जो है थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि आज अब वर्कशॉप की वजह से हो रहा है लेट, क्योंकि रीज़न था कि जब फुल सक्सेसफुल वर्कशॉप हुआ है हमारा, एंड देन बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई है. ये जो थर्ड वर्कशॉप था हमारा, टैटू वर्कशॉप, बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब बेहतरीन रिस्पॉन्स है. ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज गाइस, बहुत सारा चीजें इसमें मैंने बता दिया कि आपको फ्रीहैंड की प्रोसेस कैसी होती है, राइट. सो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, थोड़ा सा पार्ट थ्री में कन्वर्ट किया है, और पार्ट थ्री में इसलिए कन्वर्ट किया कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझें. एंड देन बात आती है आपकी वीडियो की, अपने वीडियो की. सो मैं यही गाइस बोलूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, एंड देन सब्सक्राइब करो. रीजन मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ये हमारा इंडिया में ओवरऑल, मतलब जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं जो एकदम सच्ची में एकदम, जिनको उनके पास ऑलरेडी मनी नहीं होता, राइट, स्पेंड करने के लिए, मतलब इतना ही नहीं होता, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वीक होती है. सो उन लोगों के लिए भी ये वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमारा वीडियो. सो गाइज, अदर रिक्वेस्ट, आपको ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, एंड देन लाइक करो, एंड देन प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करो कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, तो प्लीज़ वहाँ पे मेंशन भी करना. यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का मैं आईडी दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईडी है द मुस्टाच अंडरस्कोर टैटू, राइट. सो प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज आते रहते हैं, और
रेगुलर जो मेरी लाइफ है, रेगुलर जैसे मैं जर्नी, मेरी जर्नी है लाइफ में, स्टोरी जो होती है, मैं यहाँ पे आसानी से हम पोस्ट कर सकते हैं आज यहाँ पे। तो मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जितना भी कंटेंट, जितना भी मैं कंटेंट जो मैं आप ये अपलोड करता हूँ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें पहले यहाँ पे मुझे करने पड़ती है, तब जाके फिर यूट्यूब पे आती है। तो फर्स्ट फॉलो दिस इंस्टाग्राम अकाउंट एंड देन होप यू लाइक इट दिस वीडियो। लव यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।